अब मेरे को एक काम दिया है। लोग सोचते होंगे ये दोनों भाई करते क्या रहते हैं। गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। सो गाइस, जो डॉग को अभी आपने देखा उसका नाम शेरू है। हमारे जस्ट सामने वाले घर में रहता है। ये उसी की भौंकने की आवाज़ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रॉकी हमारे साथ आए, वो चाहता है कि रॉकी उसके साथ खेले। बंदा हुआ था पीछे, बोर हो रहा था, तो हम लोगों को देखा तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। वो पूरा रोड पूरी तरीके से खाली है और अभी टाइम हो रहा है 7:15। राजेश मेरे को 6:30 बजे आने के लिए बोल रहा था, पता नहीं तब क्या हाल होता है। एक आध दिन 6:30 बजे भी आएंगे, वॉक कर लेते हैं। हेलो गाइस, राजेश अभी सो रहा है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठा था, पर मैं अपने टाइम से उठा था। तो अब मेरे को एक काम दिया है, ये जो बड़े बड़े ग्लासेस है इनको साफ करना पड़ेगा मुझे। ये काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसको पहले डस्ट करना पड़ता है, फिर गीला करना पड़ता है, फिर पेपर से साफ करना पड़ता है, और इन सब के बीच में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई स्क्रैच ना आए। अभी तक सिर्फ एक साइड हुई है, उतने में वाट लग चुकी है। वाट तो लग गई है, पर 50% काम भी हो चुका है। बाहर आ गया हूँ मैं, लेडर लगेगी यहाँ से, और ये साइड ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इसे अच्छे से साफ करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट डन, सिर्फ एक काज बाकी है, ये दोनों भी साफ हो चुके हैं। अब ये ग्रिल खोल के तीसरा वाला साफ करना है। गाइस, दिस इज डन एंड डस्टेड। बहुत टाइम लग गया पर हो गया, बहुत अच्छा दिख रहा है ये। तो गाइस, सुबह रॉकी को घुमा के लेके आने के बाद मैं सो गया था, और उसके बाद जब उठा तब मैं पुराने इंटरव्यूज देखने लगा। मतलब मैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखने के लिए खोला था मैंने, तो एक सचिन तेंदुलकर और सहवाग का इंटरव्यू जो है वो ऊपर आया था, तो फिर मैंने वो देखना शुरू किया। एक इंटरव्यू देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा, तो बड़ा ही अच्छा लगता है इंटरव्यू देखना। पर उस वजह से 2-3 घंटे मेरे चले गए। अभी मेरे को बाकी सारा जो चीज़ है वो कवर करना पड़ेगा, तो अभी मैं मिलूंगा आप लोग को जब सनी उठेगा तब। अभी वो फिलहाल सो रहा है, हम जब तक वो उठता है तब तक मैं कुछ चीज़ें कर लेता हूँ जो मेरे को करने की है। बहुत टाइम हो गया फ़ोन नहीं पकड़ा। ग्लास साफ करने के बाद मेरे को बहुत नींद आ रही थी, तो मैं थोड़ी देर टीवी देख के सो गया था। जल्दी उठने का यही एक होता है कि नींद बहुत आती है। लोग सोचते होंगे ये दोनों भाई करते क्या रहते, पूरे दिन सिर्फ जागते, थोड़ी देर फिर सो जाते, थोड़ी देर वीडियो बनाते फिर सो जाते। लुकिंग गुड रॉकी। तो गाइस, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। वैसे गुड न्यूज ही थी आज, पर बैड न्यूज़ ऐसे सडनली आ गई, तो पहले मैं बैड न्यूज़ से शुरू करता हूँ, खुशी लास्ट में दूंगा। तो हुआ क्या कि मेरी एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया। कॉपीराइट क्लेम जिनको नहीं पता, वो ये होता है कि जब भी आप कोई सॉन्ग वगैरह यूज़ करते हो जो फ्री टू यूज़ नहीं है, वो अपने वीडियो में आप यूज़ कर लेते हो। और मैंने ऐसे सडनली वो जो पिछला वाला ब्लॉग था उसमें एज अ अलार्म जो ट्यून यूज़ की थी उस पर कॉपीराइट क्लेम आया है, और मतलब मेरे को लगा नहीं था उस पर आएगा। मैंने जो एक्चुअल अलार्म टोन है मेरी,
उसको छुपाया ही इसलिए था कि उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आए, बट देन एनीवेज। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे चैनल पे 200 वीडियोस हो गए हैं फाइनली। 100 वीडियोस पिछले 90 डे चैलेंज में हुए थे जो मैंने घर पे किया था, और 0 से 100 वीडियोस पहुंचने में मेरे को अराउंड 15 महीने लग गए थे। वो वाला वीडियो मैं लिंक कर दूंगा, आप लोग वो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल्स बताए हुए कितना टाइम लगा क्या लगा। 100 वीडियोस तक पहुंचने में मेरे को 15 महीने लगे, और 100 से 200 पहुंचने में मेरे को अराउंड 3 नवंबर को 100 हुए थे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून अभी आया ही नहीं है, जून आएगा तब 7 महीने होंगे, तो 6.5 महीने कुछ लगे हैं मेरे को अगले 100 वीडियोस करने में। तो काफ़ी वीडियोस डाल दिए मैंने, मतलब उस टाइम से भी, उस टाइम पे तो डेली वीडियोस आ रहे थे, मैं हर रोज़ अपडेट देता था कि आज मैंने क्या वर्कआउट किया क्या नहीं किया वो सब। पर अभी मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ, थोड़े इन्फॉर्मेशन वीडियोस कर रहा हूँ, और फ्रीक्वेंटली वीडियोस ज़्यादा कर रहा हूँ, इसलिए अभी ज़्यादा वीडियोस बाहर जा पा रहे हैं। और अभी तो मैंने दिन के काफ़ी दो भी अपलोड्स किए हैं। तारीख क्या है? 13 तारीख है आज, और आज मैंने 2 अपलोड किए हैं, मतलब 201 वीडियो ऑलरेडी हो गए। सुबह वाला जो अपलोड था वो 200वां अपलोड था। सुबह व्लॉग अपलोड करता हूँ, शाम को एक इन्फॉर्मेशन या एक्सरसाइज वीडियो ऐसा कुछ अपलोड कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से एटलीस्ट। पर अभी फिलहाल मज़ा आ रहा है, मतलब नंबर्स देखने में मज़ा आता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ ही दिन पहले, मतलब हफ्ता भर भी नहीं हुआ ना सनी, 15,000 व्यूज़ हुए थे अपने, और अभी 200 वीडियोज़ हो गए। तो ठीक है, 200 वीडियोस तो मेरे हाथ में है, मैं वीडियोस तो कुछ भी बना के कुछ भी डाल सकता हूँ। पर मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, मैंने अच्छा ही बनाया है अपने हिसाब से, जो बनाया है थोड़ा बहुत सोच सोच के डाला हुआ है, थोड़ा बहुत इंस्टिंक्टिवली जो भी आता है वो डाल देता हूँ, और बस ऐसे ही मज़ा आ रहा है मेरे को। और ऐसे तो नंबर्स को देख के बहुत ही मज़ा आता है हमेशा, चाहे वो वीडियोज़ के नंबर्स हो, व्यूज़ के नंबर्स हो, सब्सक्राइबर्स के नंबर्स हो, जो भी है मज़ा आता है। इनमें से मेरे हाथ में तो सिर्फ वीडियो वाला नंबर है, तो उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से, इसीलिए पहले 100 वीडियोस को 15 महीने लगे थे, और दूसरे 100 वीडियोस को मैंने इतना टाइम नहीं लगने दिया। होपफुली अगले 100 वीडियोस भी जल्दी हो जाए। अगर आप लोग को अगले सारे के सारे 100 वीडियोस देखने हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वाला वीडियो लाइक कर देना। कॉपीराइट क्लेम का थोड़ा टेंशन है मेरे को, मतलब यार ठीक है अभी तो सिर्फ क्लेम ही है, अगर स्ट्राइक आती है तो आपका वीडियो भी डिलीट हो जाता है, और आपके चैनल पे ऐसे बैन लग सकता है अगर 2 या 3 से ज़्यादा स्ट्राइक होती है, 3 से ज़्यादा स्ट्राइक होती है तब, मेरे को याद नहीं है, पर ठीक है इसलिए वो थोड़ा डर लगने लगता था। 200 वीडियोस का बैन करने के लिए थोड़ा ना बनाया मैंने चैनल, क्यों सनी, बैन होने के लिए थोड़ा ना बनाया आपने ने? और क्या, और वो भी एक 10 सेकंड के सॉन्ग के लिए, बहुत नाटक है यूट्यूब का। हाँ नाटक तो है। और ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, अगले 100 वीडियोस अगर आपको और देखने हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और देखते हैं अगले 100 वीडियोस कब तक होंगे। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको कल, तब तक के लिए पीस आउट।